भारत की स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर के निधन के सदमे से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि सदी के एक और महान गायक और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी दुनिया को अलविदा कह गए। अपने अलग और अनोखे अंदाज से भारतीय संगीत जगत को हिला देने वाले बप्पी दा अब नहीं रहे। भारतीय म्यूजिक जगत को एक हफ्ते में ये दूसरा झटका लगा है। बप्पी दा के सभी चाहने वाले अपने प्यारे बप्पी दा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक कोशिश आर्य न्यूज की तरफ से इस बेहतरीन कलाकार के नाम। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अलग अंदाज, बेहतरीन गाने और दिलखुश अंदाज के बादशाह बप्पी लहरी अब नहीं रहे। फिल्मी जगत में एक खूबसूरत सफर तय करने के बाद सिनेमा जगत को डिस्को डांसर पर नचाने वाला कलाकार अपने फैंस और परिवार को रोता हुआ छोड़ गया। पहले देश की स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया और अब एक और महान शख्सियत ने ये जहान छोड़ दिया। इन दोनों ही कलाकारों का जाना हिंदी सिनेमा के लिए कभी ना भर पाने वाले जख्म से कम नहीं है। दिवंगत स्वर्ण कोकिला को बप्पी दा का बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता था। लता मंगेशकर ने ही बंगाली फिल्म दादू में उनके पहले कंपोजिशन को आवाज दी थी। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की जख्मी लहरी का पहला बॉलीवुड हिट साबित हुआ। इसी फिल्म में स्वर्ण कोकिला ने भी अभी अभी थी दुश्मनी और आओ तुझे चांद पे ले जाऊं गाना गाया था। दोनों ही गाने बड़े ही सुपर हिट साबित हुए थे। बप्पी लहरी ने मुंबई के क्रिटिक केयर अस्पताल जुहू में आखिरी सांस ली थी। दरअसल 69 साल की बप्पी लहरी का इस अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था। बप्पी लहरी के निधन की वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपेनिया बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले काफी वक्त से उनके फेफड़ों में दिक्कत हो रही थी, उनके गले में भी इन्फेक्शन था। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। हालांकि ठीक होने के बाद बप्पी दा वापस घर लौट आए, मगर मंगलवार को उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा, जहां सुबह 3 बजे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बप्पी दा की दिसंबर और जनवरी में भी हालत काफी गंभीर हो गई थी। हालांकि बीच में उनकी तबीयत में सुधार के संकेत आए थे, लेकिन नियति कुछ और ही थी। उनके फैंस से बप्पी दा को छीन लिया, पर दुनिया को अलविदा कहने से पहले बप्पी दा ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी। अपनी कला और गानों के जरिए उन्होंने फैंस के दिल में एक खास जगह बनाई थी। बप्पी दा ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में गाने गाए जो काफी हिट भी रहे। इन फिल्मों में चलते चलते डिस्को डांसर और शराबी शामिल है। बप्पी दा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में काफी अहम भूमिका अदा की थी। तो वहीं बप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। संगीत का शौक और लगन ऐसी कि हमेशा नए दौर के संगीत और कलाकारों के साथ काम करने को तैयार रहे। आपको बता दें कि बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना साल 2020 में आई फिल्म बागी का भंकस था। तो वहीं सिर्फ गाने ही नहीं, बप्पी लहरी को खाना खाना और सोने के गहनों का भी बहुत शौक था। बप्पी लहरी को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था, और पसंद भी इतना कि गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान बन गई थी। बप्पी लहरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता था। साथ ही आपको बता दें कि बप्पी लहरी को संगीत की शुरुआती शिक्षा घर में ही मिली थी। अपने पिता के निर्देशन में उन्होंने 3 साल की आयु में ही तबला बजाना शुरू किया था। उन्होंने बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर देश को अपनी धुनों पर थिरकने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने 80 के दशक में बॉलीवुड को कई यादगार गानों की सौगात दी थी। वो 17 साल की उम्र से ही संगीतकार बनना चाहते थे। एस डी बर्मन उनकी प्रेरणा रहे थे और वो बर्मन के गाने सुनकर ही रियाज किया करते थे।
80 के दशक में बप्पी ने बॉलीवुड को डिस्को डांस से इंट्रोड्यूस करवाया था। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी से ही उन्होंने अपने नाम को पहचान दी। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक और म्यूजिक कंपोजर के रूप में दोगुनी प्रसिद्धि पाई थी। बप्पी लहरी को 1970 और 80 के दशक के उत्तरार्ध की कई फिल्मों जैसे कि चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। पर वो कहते हैं ना कि कलाकार कभी मरते नहीं, वो हमेशा अपनी कला के जरिए लोगों के बीच जिंदा रहते हैं और उनके चाहने वालों का प्यार उन्हें अमर कर देता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।